जी हाँ दोस्तों, सुशील कुमार के वकील के द्वारा ये बड़ा सवाल खड़ा किया गया था कि पुलिस कस्टडी के दौरान सुशील कुमार का केस क्राइम ब्रांच को क्यों सौंपा गया था, यानी कि उनकी कस्टडी क्राइम ब्रांच की टीम को क्यों सौंपी गई थी। उनको ये डर सता रहा है कि कहीं बुरे बर्ताव के साथ सुशील कुमार के साथ पूछताछ तो नहीं हो रही, और अगर पूछताछ समाप्त हो गई हो तो उनके आगे आगे और भी पुलिस हिरासत को ना बढ़ाया जा सके। लेकिन यहाँ पर दिल्ली पुलिस के वकील ने इस पर सफाई दी और कहा कि पुलिस आरोपी पर कोई भी दबाव नहीं डालती, आरोपी पर निर्भर करता है कि वो जाँच में किस तरह का सहयोग कर रहा है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर का ये पूरा अधिकार है कि वो किस यूनिट को जांच दे या किस केस के जांच अधिकारी को कभी बदल दे। दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि बचाव पक्ष के वकील में ये तय नहीं कर सकते कि जांच कैसी होनी चाहिए। अगर वकील ये सब तय करेगा तो पुलिस अपना काम कैसे करेगी, यानी कि सच्चाई उगलवाने के लिए पुलिस को अलग अलग रास्ते अपनाने होते हैं। आप समझ ही रहे होंगे दोस्तों कि किन रास्तों के सहारे सच्चाई उगलवाई जाती है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा अपने बयान में कि उन पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं डाला जा रहा है, बल्कि यहाँ पर पुलिस ने एक अनोखा तरीका निकाला है। क्योंकि सुशील कुमार मेंटली काफ़ी स्ट्रांग है तो बहुत अच्छी तरीके से झूठ और सच बोल रहे हैं, जिसके बीच अंतर कर पाना बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने मनोवैज्ञानिक टीम की सहायता ली थी, साथ ही साथ क्राइम ब्रांच को एक कस्टडी सौंप दी थी, क्योंकि एक हत्याकांड का मामला है। तो ये बात साफ है दोस्तों कि सुशील कुमार के साथ अंदर जांच चल रही है। अब जांच कौन सी टीम करती है ये बात कोई भी नहीं तय कर सकता, ये सिर्फ कमिश्नर और दिल्ली पुलिस ही तय कर सकती है। और इसी वजह से 4 दिनों की हिरासत में सुशील कुमार अभी भी हैं और उनके खिलाफ जाँच जारी है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।